भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। देश में बाघों की दूसरी सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में है, क्योंकि इनकी आबादी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश कुल 526 बाघों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की नवीनतम गिनती के अनुसार कर्नाटक राज्य में 524 बाघ हैं और उनमें से 371 बाघ मलिंदु क्षेत्र में हैं। CWS और वैज्ञानिक उल्लास कारंत द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में मलिंदु क्षेत्र में बाघों की कुल संख्या का डेटा उपलब्ध कराया गया है, जिन्होंने वन्यजीव संरक्षण परियोजना को वैज्ञानिक आयाम दिया था। वर्ष 1986 में बाघ सर्वेक्षण कार्य का प्रयास वैज्ञानिक तरीके के साथ किया गया था, लेकिन उपयुक्त तकनीक की कमी ने उस दौरान सर्वेक्षण को कठिन बना दिया। उस वर्ष की गिनती में केवल 86 बाघ ही पाए गए थे, जबकि अब क्षेत्र में बाघों की संख्या 371 हो गई है। इनमें 42 में से 37 बाघ चिकमंगलूर जिले के भद्रा अभयारण्य में मौजूद हैं। ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ जैसा कि वैज्ञानिक उल्लास कारंत कहते हैं कि चिकमंगलूर क्षेत्र के आसपास की पहली गिनती में केवल 86 बाघ पाए गए थे, अब बाघों की संख्या 86 से बढ़कर 371 हो गई है। ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಂತರ ಈಗ ಅವರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತದ್ದು 371 ಹುಲಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बाघ दिवस पर 2018 की चौथी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2,967 बाघ हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के 75% बाघ भारत के जंगलों में मौजूद हैं। ये भारत को दुनिया में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बनाता है। यही वजह है कि 2018 के बाघों की गिनती को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। जानकारों का कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग वन्य जीव संरक्षण था। चिकमंगलूर क्षेत्र में बाघों की आबादी बढ़ने के कई कारण हैं। बाघ के लिए चिंता, रक्षा प्रणाली और मानवीय हस्तक्षेप की कमी इसकी मुख्य वजह है। भारत में 2018 से 19 में किया गया बाघ सर्वेक्षण संसाधनों और सूचनाओं पर आधारित था। अत्याधुनिक तकनीक से कुल 26,838 स्थानों पर 141 कैमरा ट्रैपिंग स्थापित की गई थी। इन कैमरों में लगे मोशन सेंसर ने बाघ के हर मोमेंट को पूरी तरह पकड़ा। इस प्रकार 121,337 वर्ग किलोमीटर सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त हुए। जिले उलिया संतति दिने दिने चिकमंगलूर जिले में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। मुख्य कारण बाघों के लिए चिंता और देखभाल के साथ इन हिस्सों में मानवीय हस्तक्षेप की कमी है। अरण्य बगे तुम्बा ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲಿಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಸಂತತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ। 2006 ಕಿ ಗಿಂತಿ ಮೇ ದೇಶ ಮೇ ಲಗ್ಭಗ 1411 ಬಾಘ್ ಮೌಜೂದ್ ಥೇ। 2010 ಔರ್ 2014 ಕಿ ಗಿಂತಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಯೇ ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ರಮಶಃ 1706 और 2,226 हो गई। इससे बाघों की संख्या और संरक्षण में भारी वृद्धि हुई है। 2006 से हर 4 साल में देश के बाघों की गिनती की जाती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्वैच्छिक संगठनों और भारतीय वन्य जीव संगठन के सहयोग से बाघों की गिनती करता है। शहरीकरण, वनों की कटाई और मानव हस्तक्षेप के कारण 2012 से 2019 तक भारत में 750 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है। RTI की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 173 बाघ, महाराष्ट्र राज्य में 125 बाघ और कर्नाटक राज्य में 111 बाघों की मौत हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।